सो so, इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ दैट मीन्स वेन द कैरेक्टर्स दे मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू दी इनदर दैट मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग राइट बट किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे वाय आर क्रोमोजोम्स ठीक है क्रोमोजोम्स क्या है बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ डीएनए डीएनए में हम लोग दो तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो देख सकते हैं एक होता है रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन में डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है एंड सेकंड जो प्रोसेस होता है वो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए दि, जो है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए आर एन ए दर दिस जो प्रोटीन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दैरेक्टर टू द इंडिविजुअल ठीक है जो भी कैरेक्टर एक इंडिविजुअल का होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा प्रोटीन नाउ अगर हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हम लोग देख सकते हैं राइट सो एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड एज स्टीलोमियर्स राइट एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर And this structure as ए होल is कॉल्ड as chromatid. जब ये रेप्लीकेट करेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो इस टाइम पर दिस इज क्रोमैटेड नंबर वन एंड दिस इज क्रोमैटेड नंबर टू दीज आर सिस्टर क्रोमैटेड है, और इसमें क्या होगा जो अलील इस वाले क्रोमेटेड के ऊपर प्रेजेंट होगा वही डुप्लीकेट होकर या फिर रेप्लीकेट करके इस वाले क्रोमेटेड पे भी वही वाला अलील जो है वो प्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे अलील ए प्रेजेंट है तो जब रेप्लीकेशन हमें मिलेगी और रेप्लीकेशन जब होगी और हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा तो इस लोकस पे भी ए अलील ही प्रेजेंट होगा नाउ बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ देंट्रोमियर प्रोमोजोम जो है डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं सो so, उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है पहला आता है हमारा पहला आता है हमारा मेटासेंट्रिक सेकेंड आता है सब मेटासेंट्रिक थर्ड इज एक्टेंट्रिक एंड इजोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर होगा वो मिडिल में प्रेजेंट होगा राइट इन दिडल बट सब मेटासेंट्रिक में मिडल से थोड़ा सा ऊपर जाकर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से जो हमारे क्रोमेटेड के दो आर्म्स होती हैं उनके साइज में वेरिएशन आ जाता है सो द स्मॉलर आर्म इज़ कॉल्ड एज पी आर्म एंड द लॉन्गर आर्म इज कॉल्ड एज क्यू आर्म पी फॉर पिटाइट सो स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज पी आर्म एंड द लॉन्गर आर्म इज कॉल्ड एज क्यू आर्म द थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा जो सेंट्रोमियर है वो एंड के कुछ पास आ जाएगा ठीक है एंड के थोड़ा पास आ जाएगा बट टीलोसेंट्रिक में क्या होता है ये बिल्कुल एंड में आ जाता है जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल क्रोमोजोम के एंड पर आ जाता है उस टाइम पर हम लोग इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीन एंड अलील की द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड अलील जीन एंड अलील के कॉन्सेप्ट से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होमोलॉगिस्ट क्रोमोजोम सो होमोलोगिस्ट क्रोमोजोम इज अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो कि पेर ऑफ क्रोमोजोम जो कि सेम लेंथ के होते हैं सेंट्रोमेरिक पोजिशन भी उनका सेम होता है एंड ऑल्सो जो उनका जीन लुसाई होता है लुसाई दैट मीन्स लोकेशन वो भी सेम होता है ठीक है सो so, हम लोग कह सकते हैं कि एक पेर जो है सॉरी एक क्रोमोजोम जो है वो मदर से आता है एंड एक क्रोमोजोम जो है ये फादर से आता है इस पेर को हम लोग होमोलोगस्ट क्रोमोजोम कहेंगे ठीक है सो अगर मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम बना दूं, तो ये हमारा क्रोमेटेड वन है ये क्रोमेटेड टू है तो हमने एज प्रीवियसली डिस्कस ये दोनों सिस्टर क्रोमैटेड हैं, ये इस क्रोमोसोम का क्रोमेटेड वन है और ये इस क्रोमोसोम का क्रोमेटेड टू है तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटेड है बट अगर मैं इस होमोलोगस पेर की बात करूं तो जो ये क्रोमैटेड है और ये वाला जो क्रोमैटेड है ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटेड है नॉन सिस्टर क्रोमैटेड ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि इस क्रोम इस क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन जो है वो प्रेजेंट है एंड इस जीन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से ठीक है और दूसरा जीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी पोजिशन ये है और वो ये बी जीन है ठीक so, दो, है सो दोनों जीन्स जो हैं इनके लसाए जो हैं वो डिफरेंट हैं लोसाए जो हैं वो डिफरेंट है जब डिफरेंट लोसाए होंगे उस टाइम पर हम उनको जीन्स कहेंगे दैट मीन्स जब लोकेशन डिफरेंट होंगी उस टाइम पर हम लोग उसको जीन कहेंगे वेर एज इसी का एक जो डुप्लीकेटेड या फिर एक ऑल्टरनेटिव नॉट डुप्लीकेटेड बट हम एक, एक ए, ए, अगर हम स्पेसिफिक टर्म की बात करें तो वो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा जो कि होमोलॉजिस्ट क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होगा वो या तो रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है या डोमिनेंट डोमिनेंट मतलब एज इट इज जो हमने कैपिटल ए जो बेसिकली डोमिनेंट फॉर्म जो होती है उसको हम कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिसेसिव फॉर्म होती है उसको हम स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं सो डोमिनेंट फॉर्म भी हो सकती है या फिर रिसेसिव फॉर्म भी हो सकती है बट इनका जो लोसाए है दैट मीन्स लोकेशन है वो सेम रहेंगी जब लो लोसाए जो है वो सेम होगा तब हम उसको अलील कहेंगे ठीक है डिफरेंट लोकेशंस जीन्स सेम लोकेशंस और सेम लोसाए दैट मीन्स वो अलील है अलील जो है दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव फॉर्म एंड यही जो जीन्स हैं या फिर अलील्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीनो टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीनो टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अब एक टर्म आता है जीनो टाइप एंड फीनोटाइप एंड फीनोटाइप ठीक है जीनो टाइप क्या होता है जब हम अलिलिक फॉर्म की बात करें एक होमोलोगिस्ट क्रोमोजोम की दैट मीन्स कौन से जो जीन्स हैं या कौन से जो जीन्स हैं वो कौन कौन से अलील्स उसमें प्रेजेंट है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ए ए ये हमारा जीनो है एक अलील हमारा ये है एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला अलील है तो ये इसका जीनो है अगर यहाँ पर स्मॉल ए जो होता वो प्रेजेंट होता तो इसका जीनो क्या हो जाना था कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ठीक है फीनो टाइप मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो फिनोटाइप ये जो जीनोटाइप है यही डिसाइड करेगा फिनोटाइप कैसा होगा एक ऑर्गेनिज्म का ठीक so, है सो डिफरेंट डिफरेंट जो जीनोटाइप्स हैं हम लोग अभी उनकी बात कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक पेयर है होमोलॉगिस्ट क्रोमोजम का ठीक है, है और यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है वो टी है और यहाँ पर एक और जीन सॉरी uh, इसका अलील प्रेजेंट है वो कैपिटल टी है ठीक है तो मेरा इस केस में जो जीनो होगा वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी होगा ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया जो डोमिनेंट फॉर्म होती है हम लोग उसको कैपिटल लेटर uh, के साथ रिप्रेजेंट करते हैं सो so, ये दोनों सेम है तो सेम मीन्स होमो ठीक है होमो और आगे हम जाइगस लगा देंगे होमो जाइगस डोमिनेंट ठीक है वहीं पर अगर मेरा ये दूसरा होमोलोगस पेयर है और यहां पर टी है और यहां पर स्मॉल टी है इस केस में मेरा जीनो बन जाएगा ये एंड यहां पर अब ये दोनों डिफरेंट है इसलिए हेटेरोजाइगस हेटेरो केस ना डोमिनेंट ना रिसेसिव जस्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन थर्ड कंडीशन मेरी आ रही है इस तरीके से अगर ये मेरा एक पेयर है यहाँ पर भी मेरा रिसेसिव अलील है और यहाँ पर भी रिसेसिव अलील है तो मेरी इसमें इस केस में जो जीनो बनेगा वो स्मॉल स्माली बनेगा दैट मीन्स ये सेम है दैट मीन्स होमोजाइगस होमोज़ाइगस एंड ये क्या है हमारी कंडीशन रिसेसिव कंडीशन सो कैपिटल कैपिटल दोनों अगर होंगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर दोनों स्मॉल होंगे तो हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनेगी अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की किस तरीके से ये जीनोटाइप जो है ये फीनो के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नाउ मोड ऑफ एक्शन या फिर अगर मैं कहूँ मैकेनिज्म बाई विच द जीनो टाइप प्रोवाइड द फीनो टाइप ऑर्गेनिज्म तो अब मैं जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से नहीं बनाऊंगी मैं सिर्फ एक सिंगल क्रोमैटेड बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी एक पेयर है मेरे पास ठीक है हम लोग हाइट को लेकर ही चलेंगे एक यहाँ पर एक अलील है और यहाँ पर एक अलील है दोनों कैपिटल में है तो अगर मैं बोलूँ कि इसका जीनोटाइप क्या होगा तो ये इसका जीनो है दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट सो ये दोनों जो लील्स हैं दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनजाइम राइट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारा डीएनए है डीएनए आरएनए बनाता है आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन क्या है वो यही एंजाइम है ठीक है सो कंट्रीब्यूट टू प्लांट हाइट दैट इज जो हमारा प्लांट होगा वो टॉल होगा ठीक है नाउ सेकेंड कंडीशन हमारी ये है यहां पर ये कंडीशन है दैट मीन्स मेरा जीनोटाइप जो है वो ये जीनोटाइप है इसमें से ओनली वन इज एबल टू प्रोड्यूस एन एन्जाइम बट द रिसेसिव वन जो है ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इसीलिए जो हमारा कैपिटल टी है जो डोमिनेंट कंडीशन है वो अपनी एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो ये एंजाइम जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और अगेन जो हमारा ऑर्गेनिज्म uh, होगा वो टॉल ही होगा That means it will contribute to the height of the uh, organism. तो so, अगर हम लोग बात करें third condition पे, तो वो condition है ये. That means homozygous recessive मेरा genotype ये है. यहाँ पर क्या होगा? There will be no enzyme produced, right? जहाँ पर enzyme produce ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि organism जो है वो डोर्फ होगा दैट मीन्स ये जो हाइट जो है वो कम होगी क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जा रही है सो दिस इज किस तरीके से जीनोटाइप जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है फीनोटाइप के लिए ठीक है नाउ टू दिस वीडियो मैं आपको जो भी पढ़ाया है अभी तक हम लोगों ने देखा है तो हम लोग उसको शॉर्ट में देख लेते हैं ये दोनों क्रोमैट्स जो हैं दोनों मोलोग क्रोमोजोम के That means they दे आर नॉन chromatids, राइट right? अगर मैं इन दोनों की बात करूं दे आर अली ईल्स ऑफ दी सेम जीन्स इन दोनों की बात कर लो या इन दोनों की मैं बात कर लू दे आर अली ईल्स ऑफ द सेम जीन्स राइट एंड अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूं इसके जीनो टाइप की बात करूं तो ये है होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेट अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये है ड्रोजाइगस एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन राइट सो दैट्स इट फॉर दुडेज़ वीडियो आई होप आप लोगों को थोड़े से बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हुए हुए होंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी के आई बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़ ऑन इनहेरिटेंस बायोलॉजी सो आई होप इस वीडियो से आपके थोड़े से डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हुआ होगा सो आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे टिल देन टेक केयर बाय